अर्थ सामाजिक विज्ञान जिसमें ये इतिहास है और इतिहास का अध्याय एक है जो कि आधुनिक यूरोप का उदय है। इसके प्रश्न उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आरएफ प्रसाद सर आज आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर दे रहा हूं। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर में क्या है। तो ये पहला प्रश्न आपके यहाँ दिया हुआ है, विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया, मतलब कितने काल होते हैं हमारे विश्व के इतिहास में। तो विश्व को इतिहास में तीन कालों में विभाजित किया, ध्यान रखना बच्चों, तीन कालों में विभाजित किया। नंबर एक क्या है, नंबर एक है प्राचीन काल। ये प्राचीन काल आपको दिखाई दे रहा है जो पुराने समय के लिए होता है। फिर मध्य काल, बीच वाले काल को नंबर दो काल है। नंबर तीन पे है आधुनिक काल, जो हमारा आधुनिक चल रहा होता है वो आधुनिक काल, तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। तीनों प्रमुख विशेषताएं में क्या आता है, पहला है ये तर्क एवं बुद्धिवाद, इसमें तर्क और बुद्धिवाद का अपमान होता है। नंबर दो में है मानववाद, मानवता उसमें अंदर भरी हुई होती है। और नंबर तीन है नवीन अन्वेषण, मतलब खोज, नई नई खोजें होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये है अगला प्रश्न, आधुनिक कला, आधुनिक काल की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। जो आधुनिक है उसमें स्रोत कौन कौन से, तो आधुनिक काल की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर एक कितना है, जैसे उपन्यास है, जीवनी है, यात्रा है, वृत्तांत है, आदि सारे साहित्य है। इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इनके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, इनसे भी हमें आधुनिक काल की जानकारियां प्राप्त होती। इस तरह से ये हमारे स्रोत हैं जिससे हमें प्राप्त होती है जानकारी। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक इतिहास के स्रोतों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, ये आधुनिक काल का इतिहास का स्रोत है, इसके तीन हिस्से करें, चार हिस्से। पहला जो है लिखित इतिहास, जो लिखा गया था वो है। फिर मौखिक इतिहास, जो मुंह से बताया गया है। फिर आता है आधुनिक संचार संसाधन। फिर आता है आधुनिक स्थापत्य। ये चार हैं हमारे पास, नंबर एक है, नंबर दो है, नंबर तीन है और ये नंबर चार है। अब आगे देखिए, ये जो है आपका लिखित इतिहास फिर से बता है इसमें तीन हिस्सों में। तो पहला है ये हिस्सा आपका, ये दूसरा है और ये तीसरा हिस्सा है। चलिए देखते हैं पहले हिस्से में क्या है। पहले हिस्से में जो लिखा हुआ विभिन्न साहित्यिक रचनाएं हैं, जीवनी है, संस्करण है, उपन्यास है, ये सब इसमें आते हैं। नंबर दो में क्या है, विभिन्न शासकीय अशासकीय दस्तावेज, पत्र व्यवहार, दैनिक साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक छपने वाली पत्रिकाएं और पत्र। नंबर तीन में है धार्मिक साहित्य, विभिन्न धर्म गुरुओं, मीमांसा मीमांसकों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य, जो प्रकाशित होता साहित्य उसके थ्रू हम जान सकते। चलिए आगे देखते हैं, बुद्धि निष्ठा का क्या अर्थ है। ये बुद्धि निष्ठा है बच्चों, ध्यान रखना, बुद्धि निष्ठा का क्या अर्थ है, ये सब जो है जरा ध्यान देंगे आप लोग। बुद्धि निष्ठा है ये, ये है बुद्धि निष्ठा, ये लिखा हुआ है। बुद्धि निष्ठा का अर्थ है मनुष्य की सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना, तथ्यों की तह तक जाना और तब तक स्वयं निर्णय लेना कि क्या उचित है और क्या नहीं है, इसको कहते हैं बुद्धि निष्ठा। अगला है व्यापारवाद किसे कहते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है, व्यापारवाद किसे कहा जाता है। तो व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक संपन्न बनाना व अन्य राष्ट्रों को मात देना, शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दी, इस आर्थिक नीति को व्यापारवाद कहा जाता है। नंबर अगला है औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। ये औद्योगिक है बच्चों, ध्यान रखना, ये औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। तो इस नए दौर के अनुसार कारखानों में जो मशीनों की मदद से वस्तुओं के बेहिसाब उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। मतलब हमने कारखाने लगा दिए, जो एक आदमी जो है काम करता था तो बहुत धीरे धीरे काम करता था, लेकिन मशीनें जो हैं एक आदमी के बजाय 100 आदमी का काम अकेले ही कर देती हैं और बेहिसाब उत्पादन उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं।
अगला है उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या चीज है ये देखना है हमें। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संपन्न राष्ट्र का विकासशील और अविकसित राष्ट्रों पर आर्थिक नियंत्रण होने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीतिक दृष्टि से भी उन राष्ट्रों में उनका अधिकार हो गया। संपन्न राष्ट्रों द्वारा राज्य विस्तार की इस नीति को उपनिवेशवाद कहते हैं, इसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों क्या चीज है उपनिवेशवाद। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, ये आ गया उचित जोड़ियां बनाई गई। तो सबसे पहले आता है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस क्या था, ये खगोल वैज्ञानिक था, तो ये है आपका पहला नंबर पे आएगा। दूसरा है कोलंबस, ये तो यात्रा करने वाला था बेचारा, तो क्या कर रखा था इसने, यूरोप से अमेरिका तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी घ है इसके लिए। नंबर तीन है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या करा था आपका, ये धर्म गुरुओं के भ्रष्टाचार को रोकने में लिखते थे, तो धर्म व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध करते थे। अब ये है हेनरी अष्टम क्या है, ये पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया, तो ये आपका घ वाला है। इस तरह से इसके सामने मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप लोग अपने कॉपी में सही करके लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ और चल रहा है हमारा। छपाई कला के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुआ, छपाई कला से बहुत कुछ हुआ लाभ हमें। तो छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में आसानी से और कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध होने लगी, फलतः ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली, क्योंकि ये आपका उत्तर है छपाई की कला से या उसके आविष्कार से क्या फर्क पड़ा था। चलते हैं आगे, अब व्यापारी क्या क्या वस्तुएं यूरोप के व्यापारियों को बेच देते थे, तो ये क्या है, अरब है ये, अब नहीं है। अरब व्यापारी मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे, जहां से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर के खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे। तो ये था व्यापारी क्या क्या बांटा जाता है, क्या क्या बिका जाता है, ये है नंबर तीन। मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट क्यों कहा जाता है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्मगुरु ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुलासा वक्तव्य जारी किया, जिसमें क्या कहा उन्होंने, जनता से कहा आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उसने ईसाई धर्म गुरु के प्रमुख पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध यानी प्रोटेस्टेंट किया, इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। अगला है यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की क्यों करी, ये बताना है आपको। तो व्यापारियों को विदेशी व्यापार से अपार लाभ तो थे ही, मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयां और खतरे भी कम नहीं थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने लगे और तैयार माल इकट्ठा करने लगे, माल का भंडारण करने लगे, जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद करने लगे। इस प्रकार व्यापारी कंपनियों की स्थापना आरंभ हो गई। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। मध्य वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया, क्यों ऐसा हुआ, तो ये उत्तर है आपका, व्यापारियों के संबंधित यानी व्यापारियों से जो भी संबंधित बातें होती थी, अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायिकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय से जुड़ गए। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन से जकड़ा हुआ नहीं था, यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्य वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया, ये रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने लगे। अगला है पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, क्या है पुनर्जागरण। तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, यानी जो भी उनके ग्रंथ थे उन सबको जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी उसमें अनुवाद किया गया, तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। छपाई की मशीन,
का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में और आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगी। फलतः ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान इन एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली और प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि निष्ठा और भौतिक जीवन के महत्व का बोध होने लगा और आदि बातें यूरोप में जड़े पकड़ने लगी। इस तरह से सारी जड़े बहुत मजबूती से पकड़ने लगी। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं लोग। ये है इसके आगे साहित्य चित्रकला शिल्पकला विज्ञान आदि सभी विधाओं को इस दृष्टिकोण ने प्रभावित किया। कलाकार अपने कलाकृतियों में देवी देवताओं देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने लगे। कॉपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। यही सूत्रपात के अनुसार जन्म ले गया इस चीज को विरोध करने के लिए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन कौन से तीन वर्ग प्रमुख से अस्तित्व में आए तथा इनकी स्थिति संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। चलिए देखिए क्या है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तीन वर्ग कौन कौन से आए, तो नंबर आ गया था पूंजीपति वर्ग, नंबर दो मध्यम वर्ग और नंबर तीन श्रमिक वर्ग। जरा इनके बारे में भी देख लेते क्या। पूंजीपति वर्ग के लिए क्या था। पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। मध्यम वर्ग क्या करता था, व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की बुद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर दलाल लिपिक हिसाब लिखने वाले जैसे व्यापारियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया जिससे मध्यम वर्ग कहा जाता था। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय से जुड़ते चले गए। नंबर थर्ड आता है श्रमिक वर्ग। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। तो इस तरह से ये विभाजन हुआ था इनका। अब चलते हैं सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ था। देखिए सामंतवाद था गया। व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। कैसे पड़ा, व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राज सत्ता का समर्थन किया तो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मान करके शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यूरोप में भी सामंतवाद का पतन भी आरंभ हो गया। इस तरह से ये आरंभ हुआ है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्यापार में वृद्धि का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं इस वृद्धि का क्या हुआ। तो यूरोप में तीव्र व्यापार वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहां के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। नंबर एक क्या है, आर्थिक प्रभाव पड़ा। तो यूरोप में अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन का माध्यम बन गए। अब लंदन ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हो गई और व्यापार में अधिकाधिक पूंजी का विनियोजन होने लगा। व्यापार एवं उद्योगों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध होने लगा। नंबर दो है इसका सामाजिक प्रभाव। क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है, भाई देखो व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर दलाल लिपिक हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायिकों का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। नंबर तीन है राजनीतिक प्रभाव। व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग अपने ही हित के लिए जन सत्ता का समर्थन किया तो व्यापारियों को देश की संपन्नता
के आधार पर के आधार को मान करके शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक वर्ग श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। अब अगला है मार्टिन लूथर ने क्या कहा था। देखो मार्टिन लूथर जो है नामक जर्मन धर्मगुरु को सांस क्या है धार्मिक संस्थाओं की निंदा करते हुए एक खुलासा यानी खुला वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने जनता से कहा, आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को भी धर्म न मान करके स्वयं बाइबल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। मार्टिन लूथर के इस कथन पर आप क्या विचार करते हैं, यही हमें उत्तर देना है। तो धर्म यानी जर्मन का धर्म गुरु है मार्टिन लूथर का कथन अक्षरशः सत्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बातों को बिना जानकारी व सत्य की खोज किए बिना मान लेना अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। तो मार्टिन लूथर क्या कह रहे थे, मार्टिन लूथर का विचार था कि लोग स्वयं बाइबल को पढ़ें व धर्म के तत्वों को समझें, जिससे कि वे किसी की कही हुई बातों में ना आए। इसी के साथ जो है ये लेसन हमारा समाप्त होता है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब करेंगे दबा करके, और ये जो है क्या है ये आपको मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मेरा वीडियो डलते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे, जितना ज्यादा को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा और बच्चों को फायदा होगा। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो के साथ।